हेलो एवरीवन, अगर आप घर खरीदने के लिए हाउस हंटिंग कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके साथ ये जरूर हुआ होगा। सुबह न्यूज़पेपर खोला और देखा कि 1500 स्क्वायर फीट का बढ़िया सा 3 BHK एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे स्टार्टिंग ओनली 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मनी मन सोचा कि आज तो मुझे मेरा ड्रीम होम 1 करोड़ के अंदर मिल ही जाएगा। जब साइट विजिट की तो ये पता चला कि इसके ऊपर 10 और एडिशनल चार्जेस हैं और ये घर की टोटल वैल्यू कहीं पे 1 करोड़ 30 लाख के आसपास बैठेगी। आप में से जो लोग अभी तक घर खरीद चुके हैं वो भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि जिसने भी ये सोचा कि 1 30 के अंदर ये घर मिल गया, उसने जब सारी पेमेंट की और फाइनली अपनी कॉस्ट कैलकुलेट की तो ये रियलाइज़ किया कि ये घर की टोटल वैल्यू कहीं पे 1 40 के आसपास बैठी और इसमें मैंने अभी तक होम लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जोड़ा है। तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि हमेशा डेवलपर्स सिर्फ बेस प्राइस को ही मार्केट करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे एडिशनल चार्जेस होते हैं। ये एडिशनल चार्जेस कहीं पे 25% से लेके 50% तक भी हो सकते हैं ऑफ दी बेस वैल्यू। अब आपको ये सारे एडिशनल चार्जेस के बारे में जानकारी होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? फॉर टू रीजन्स। सबसे पहले, बिल्डर्स इसमें से कुछ कॉस्ट तो अपनी कॉस्ट शीट में मेंशन करते हैं और आपको ढंग से एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे चार्जेस वो अपने कॉस्ट शीट में कहीं पर ढंग से मेंशन भी नहीं करते, आपसे छुपाते हैं, और अगर बताते भी हैं तो भी कहीं पर फाइन प्रिंट में स्टार मार्क करके, जिसका एक्चुअल पता आपको सिर्फ पोजीशन के टाइम पे चलता है और फिर दैट कम्स एज अ शॉक कि अभी ये एक खर्चा भी करना बाकी है। दूसरा, अगर आपको ये बात पता है कि बिल्डर ने कौन से चार्जेस कॉस्ट शीट में मेंशन किए हैं और कौन से कॉस्ट शीट में मेंशन नहीं किए हैं, तो आप बिल्डर से एक बेटर डील भी निगोशिएट कर सकते हो। तो आज मैं आपको घर खरीदने के एक टोटल कॉस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वो कॉस्ट जो बिल्डर अपनी कॉस्ट शीट में मेंशन करते हैं, वो कॉस्ट जो बिल्डर आपसे छुपाते हैं, और वो कॉस्ट जो बिल्डर आपको बताते ही नहीं है। एंड फाइनली, कि आप ये सारी कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हो टू मेक अ स्मार्ट डिसीजन। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर खरीदने में टोटल 5 टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन वैल्यू, दूसरा है आपके अदर चार्जेस, तीसरा है गवर्नमेंट टैक्सेस, चौथा है आपका स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, और पांचवा है हिडन कॉस्ट। तो शुरू करते हैं सेल्स कंसिडरेशन से। अब इसके भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला है बेसिक प्राइस। अब बिल्डर्स अपनी मार्केटिंग में हमेशा बेसिक प्राइस ही मेंशन करते हैं क्योंकि ये सबसे कम होता है। इसके ऊपर ऐड होता है पीएलसी। पीएलसी इज योर प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। अब पीएलसी भी दो टाइप की हो सकती हैं, एक है फ्लोर पीएलसी और एक है व्यू पीएलसी। अब व्यू पीएलसी मतलब आपको गार्डन फेसिंग चाहिए, क्लब फेसिंग चाहिए या फिर सिटी व्यू चाहिए, उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है एडिशनली ऑन अबाउ द बेस प्राइस। अगेन सिमिलरली विद दी फ्लोर पीएलसी, आपको कौन सा फ्लोर चाहिए उस हिसाब से आपको एडिशनली चार्ज किया जाता है। अब दिल्ली एनसीआर में आप जितने नीचे फ्लोर्स पर रहोगे उतना ही घर आपको महंगा मिलेगा, और जबकि बॉम्बे में या साउथ में आप जितना ऊपर जाओगे उतने घर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपका सेल्स कंसिडरेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बेसिक सेल प्राइस प्लस योर पीएलसी। नेक्स्ट है अदर चार्जेस। अब अदर चार्जेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट में आएगा क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, पावर बैकअप, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस को कुछ स्टेट्स में ईडीसी आईडीसी भी बोलते हैं। अब बेसिकली एक सोसाइटी को लिवेबल बनाने के लिए डेवलपर को कुछ चीज़ें इंटरनली और एक्सटर्नली करनी पड़ेंगी, तब जाके वहाँ पे लोग आराम से रह पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, इंटरनली उसको गैस पाइपलाइन देनी पड़ेगी, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सीवेज की पाइपलाइंस, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी होंगी। यही सारी चीज़ों को एक्सटर्नली भी कनेक्ट करना होगा, एक सर्विस रोड भी बनानी होगी ताकि लोग मेन रोड तक पहुंच सकें, तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट। सो नाउ डेवलपर्स ये सारी चीज़ों को दो अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ डेवलपर्स तो इसको अपना सेल्स कंसिड्रेशन का पार्ट मान लेते हैं और कुछ इसको अदर चार्जेस का हेडिंग दे देते हैं, और कुछ इसको बहुत स्मार्टली अदर चार्जेस में डाल के एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको फ्री क्लब मेंबरशिप, फ्री कार पार्किंग। सो नाउ सम ऑफ देम यूज इट वेरी स्मार्टली एज अ मार्केटिंग टूल। नेक्स्ट है ऐसे अदर चार्जेस जो कभी भी सेल्स कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनते। बिल्डर इसको हमेशा अदर चार्जेस की हेडिंग के अंदर ही लिखता है। सबसे पहले इसमें आता है IFMS, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। अब ये एक लमसम अमाउंट बिल्डर आपसे लेता है एज अ इमरजेंसी फंड, कि कभी इमरजेंसी में बिल्डिंग का रिपेयर करना पड़े कोई मेजरली तो उसके लिए फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा 12 मंथ्स ऑफ एडवांस मेंटेनेंस। तीसरा है आपका यूटिलिटी कनेक्शन चार्जेस, मतलब आपके नाम पे बिजली का मीटर लगाना, गैस का मीटर लगाना, पानी का कनेक्शन आपके घर में देना। इसको आप ईडीसी आईडीसी के साथ में कंफ्यूज मत कीजिए,
वो बेसिकली है कि आपके सोसाइटी के अंदर बिजली की लाइन बिछा दी, आपके पानी की पाइपें बिछा दी, बट फाइनली आपको बिजली का मीटर तो आपके नाम पे लेना पड़ेगा, उसका एक खर्चा है। गैस का कनेक्शन आपके नाम पे लेना पड़ेगा, उसका एक खर्चा है। तो ये बेसिकली यूटिलिटी कनेक्शन के चार्जेस हैं। फिर आता है आपका एडमिन एंड इंफ्रा चार्जेस, और फिर आता है आपका लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस मतलब आपका जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट बनेगा, जो आपकी सेल डेट बनेगी, उसको बनाने का जो भी खर्चा है। तो अब इसमें से कुछ चार्जेस जैसे लीगल चार्जेस या यूटिलिटी कनेक्शन चार्जेस, कुछ डेवलपर्स तो अपनी कॉस्ट शीट में इसको मेंशन कर देंगे कि ये अदर चार्जेस में इंक्लूडेड है, बट कुछ डेवलपर्स इसको एकदम स्टार मार्क करके फाइन प्रिंट में लिख देंगे कि ये चार्जेस का अमाउंट डिटरमाइन होगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन और तभी आपको पे करना है। मतलब आज इसका कॉस्ट शीट में कहीं पे कोई हिसाब नहीं है। तो आप तो सोच रहे हो कि मेरी फाइनल कॉस्ट आ चुकी है मेरे पास, लेकिन एट द टाइम ऑफ पोजेशन ये चार्जेस की वजह से 1 से 2% आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आज आपको ये बिल्डर से कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने ये अमाउंट इंक्लूड किया है या नहीं इंक्लूड किया है। अगर इंक्लूड नहीं किया है तो एटलीस्ट मुझे आज के करंट रेट्स तो बता दो, ताकि मुझे ये पता हो कि जब मेरे पास पोजेशन आएगा तब मुझे कितना अमाउंट अरेंज करके रखना है इसके लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस में सबसे पहले आता है जीएसटी। अगर आप रेडी टू मूव इन घर खरीद रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, बट अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीद रहे हो तो आपको सेल्स कंसिडरेशन वैल्यू पे 5% का जीएसटी लगता है और अदर चार्जेस पे 18%। तो एज अ होम बायर आपके लिए एडवांटेज रहेगा कि अगर अदर चार्जेस का अमाउंट कम हो और उसको सेल्स कंसिडरेशन में कंसिडर कर लिया जाए तो थोड़ा सा पैसा आप जीएसटी में बचा सकते हो। टैक्सेस का नेक्स्ट एस्पेक्ट इज टीडीएस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि आप जब भी किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जो भी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू है उसका 1% अमाउंट आप एज अ टीडीएस डिडक्ट करोगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करोगे। वहां से आप टीडीएस का सर्टिफिकेट लोगे और सेलर को दोगे। सेलर बाद में वो टैक्स रिबेट अपना क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है, बेस्ड ऑन देयर इनकम टैक्स स्लैब्स। अब बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स तो यही पॉलिसी फॉलो करते हैं कि अगर आपकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो वो ये बोलेंगे आप 99 लाख रुपीज मुझे दो, 1 लाख रुपए इनकम टैक्स में जमा करा के मुझे टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन यहीं पे छोटे डेवलपर्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और वो ये बोलते हैं कि आप पूरे 1 करोड़ मुझे दोगे, उसके ऊपर 1 लाख रुपए आप अलग से जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराओगे। सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट कन्फर्म्ड एट द टाइम ऑफ बुकिंग द हाउस फ्रॉम द कॉस्ट शीट। कि आप उससे क्लियरली कन्फर्म कर लो कि क्या ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है इसमें से मैं अमाउंट डिडक्ट करके खुद जमा करा के आपको सर्टिफिकेट दूंगा, या फिर मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे करूंगा, आप खुद उसमें से मेरे बिहाफ पे इनकम टैक्स में जाके टीडीएस जमा करवाओगे, या फिर जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके ऊपर अलग से मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीडीएस जमा कराना होगा। गेट दिस क्लैरिटी ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। नेक्स्ट है आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। अब स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हर स्टेट में अलग अलग हैं, बट यूजुअली वो 4% से 8% के बीच में है। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हर स्टेट में अलग अलग हैं, बट मैक्सिमम जगह पे वो 1% है या फिर कोई लमसम अमाउंट है। और फाइनली है हिडन चार्जेस, जिसमें से कुछ को डेवलपर छुपाते हैं और कुछ के बारे में वो कभी बताते ही नहीं है। अब जैसे सबसे पहले पोजेशन चार्ज, अब ये यूजुअली 1 से 2% होता है ऑफ दी सेल वैल्यू। अब ये पोजेशन चार्ज को कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट में लास्ट में लिखा होगा कि दिस वुड बी ड्यू एट द टाइम ऑफ पोजेशन, और कॉस्ट शीट के कैलकुलेशन में उसको कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया होगा। अब क्योंकि वो मेंशनड है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉस्ट शीट में इंक्लूडेड है। तो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट कि क्या ये अमाउंट इंक्लूड किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ये पोजेशन के टाइम पे अचानक से 1-2% का सरप्राइज आने वाला है। दूसरा चार्ज है आपका लॉयर की फीस। अब आपका सीआरएम आपको बोलेगा कि आपकी सेल डीड की रजिस्ट्री के लिए या फिर आपके बिल्डर बायर अग्रीमेंट की रजिस्ट्री के लिए आपको कोर्ट जाना है, और जब आप कोर्ट जाओगे तो वहां पे आपको एक लॉयर मिलेगा जिसको आपको 10 से 15 हज़ार रुपये देने होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने जो लीगल फीस ली थी वो किस चीज़ के लिए थी? तो लीगल फीस थी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। यहाँ पे एक बंदा जो फिजिकली आपके सारे काम कराएगा ये उसकी फीस है। तो अगेन इसका कहीं पे मेंशन नहीं होता, तो दिस इज एन एडिशनल कॉस्ट। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो होम लोन की प्रोसेसिंग फीस इज ऑल्सो एडिशनल कॉस्ट। प्लस अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल है तो उसमें होम लोन की प्रोसेसिंग फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारी सारी चीज़ें छोटे छोटे कॉस्ट हैं, बट एट द टाइम ऑफ पोजेशन जब ये एकदम से साथ में आती हैं तो सम टोटल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आज इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कैसे करोगे?
तो सिंपल है, मैंने जितनी भी आज हेडिंग्स बताई हैं आपको, जब भी आप कॉस्ट शीट देखो बिल्डर की, उसमें कंफर्म करो कि ये सारी हेडिंग्स हैं या नहीं है। जो नहीं है उससे आप वर्बली क्रॉस वेरीफाई करो कि उसको कहाँ पे एडजस्ट किया गया है। जो भी उसका एक्सप्लेनेशन मिले उसको बोलो कि आप इसको प्लीज मेल पे डाल के मेरे को रिटर्न में भेजो, ताकि फ्यूचर में कोई इस पर डिस्प्यूट ना हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, व्हाट्सएप ग्रुप सबके साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो, ताकि सभी लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। और अगर आप एक स्मार्ट होम बायर बनना चाहते हो तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से रियल एस्टेट पे नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाता रहूँगा टू हेल्प एवरीवन इन दिस कंट्री टू बाय देयर ओन ड्रीम हाउस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम रोहन भारद्वाज, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव फन।